तीन लोग नॉमिनेट हो चुके हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए। हालांकि बिग बॉस इनको बेघर करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बिग बॉस के ऊपर, सलमान खान के ऊपर ही डिपेंड है। अभी आप लोगों को बताती हूँ कि किसको अब तक कितने परसेंट वोट मिली है, कौन कौन से नंबर पे है। अभी एक बात ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है मनारा को पसंद कर रहे हैं। मनारा को इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, और क्यूट इसलिए क्योंकि वो कभी भी रैंडमली कुछ भी चीज़ बोल देती है। और इवन मुनव्वर फारूकी ने तक ये बात बोल दी कि यार ये कितनी क्यूट है, ये कभी भी कुछ भी बोल सकती है। तो बहुत ही उसकी बातें जो है बहुत क्यूट लगती है, सीरियस वे में बहुत फनी बात करती है, जो कि एक बच्चे के जैसा ट्रीट करने के लिए सामने वाले बंदे को बोलती है कि सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली जो है उसको बच्चे के जैसा ट्रीट करने लग जाता है। ऐसी पर्सनैलिटी बहुत सारे लड़कों को पसंद आती हैं, और बहुत सारे लड़के जो है जो कि मनारा को पसंद कर रहे हैं, और मनारा भी एक्चुअली में पसंद करने वाली लड़की है भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और मनारा को हर्ट भी हुआ, मनारा जो है पहले नंबर पे हैं 84% वोट के साथ। पहले नंबर पे 80% वोट जो है आप दे दी है लोगों ने, और मुझे ऐसा लगता है मुनव्वर फारूकी के लोग जो है मनारा को वोट दे रहे हैं क्योंकि वो मनारा को मुनव्वर फारूकी के साथ देखना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे अभिषेक जो बहुत ज़्यादा उछल रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, 13% वोट अभिषेक कुमार। तीसरे नंबर पे नाविद सोल। नाविद सोल का एक पंगा है कि पहले मतलब कि अब्दू आया, अब्दू को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अब्दू को ट्रांसलेट किया, अब्दू को थोड़ी चीज़ें आती भी थी, वो समझता भी था। उसके बाद जो है जदादिद आया, जदादिद ने भी बहुत अच्छा किया, लोगों ने उसको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया, थोड़ा बहुत मतलब किया तो है, बहुत सारी चीज़ें उसने कंटेंट दिया, एक अलग तरीके का कंटेंट जो मिला है। अभी जो नाविद है, नाविद सिर्फ इधर उधर घूमता फिरता, उसको पता ही नहीं चलता कि आखिरकार किसका क्या मैटर हो रहा है, और उसको पता ही नहीं है। बस जब सामने से लोग भाग लेते हैं, जहाँ जाके बैठ जाते हैं वो भी भाग लेता है, जाके वहाँ पर बैठ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस जो है वो नाविद के लिए है। और नाविद वैसे भी ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा है, और बाउंड्री तो है ही ना लैंग्वेज की, जब बंदे को समझ ही नहीं आ रहा तो बंदा क्या करेगा। पर दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड तो नहीं है कि भाई वो अपना सब चीज़ें छोड़ छाड़ के इसको समझाते हुए बैठे, उनको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट क्या, ये तो बस लड़ाई में फोकस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं तो बिग बॉस OTT सीजन 2 में पहली बार देखा था कि बिग बॉस विदाउट लड़ाई भी हो सकता है, पर इन्होंने आके फिर से ही बात कर दी कि बिग बॉस तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए बना है। वैसे मनीषा, अभिषेक, एल्विश ने हमें ये चीज़ एहसास करवाई थी सब लोगों को कि बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बिग बॉस प्यार के लिए, दोस्ती के लिए भी बहुत जाना जाता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।